मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमय कहानियां मौजूद हैं, जो आज भी एक अजूब पहेली ही बनी हुई है। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने दुनिया की 12 सबसे रहस्यमय कहानियां, जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ताओस हमगुंज। न्यू मेक्सिको के इस बेहद खूबसूरत मगर छोटे शहर ताओस के बारे में चर्चित है कि इस शहर के बाहरी इलाकों में एक डीजल इंजन के चलने की आवाज सुनी जाती है। हालांकि इस आवाज को सभी साफ साफ सुन सकते हैं, मगर कई डिटेक्टिव मशीनें भी इन आवाजों के स्रोत को अब तक नहीं पकड़ सकी हैं। इसी आवाज को ताओस हम के नाम से जाना जाता है। वोइनिश लिपि। मानव साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुका है, मगर वो अब तक इस भाषा में लिखी गई लिपि को नहीं पढ़ सका है। वोइनिश लिपि के बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी उसे मिली है, वो केवल इन किताबों पर बनी हुई तस्वीरों की वजह से। जैक द रिपर। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा। जैक द रिपर नाम को अब तक ना जाने कितनी फिल्मों, नाटकों और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। इस कुख्यात कातिल ने 18वीं सदी के अंत में लंदन के पूर्व के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से सारी उसी जमाने की वेश्याएं हुआ करती थी। यह बेहद खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस प्रकार तहस नहस कर देता था कि कोई पहचान भी नहीं सकता था। मगर सबसे अचंभे की बात यह है कि इसे कोई भी पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी है। क्रिप्टोस। वर्जीनिया लांगले के CIA हेडक्वार्टर के बाहर एक आकृति खड़ी है, जिसकी सतह पर कोडेट खुदाई हुई है। इस बेहद खूबसूरत आकृति को जिम सनबोर्न ने बनवाया था, जिसके माध्यम से वे बताना चाहते थे कि हर चीज को पैटर्न और क्लू के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। यहाँ 4 सेक्शन की खुदाई हुई है, जिसमें 3 सेक्शन के मायने तो अब तक निकले जा चुके हैं, मगर चौथा सेक्शन CIA के तेज दिमाग वाले लोग भी क्रैक नहीं कर सके हैं। यह रहस्य बना हुआ है। शेफर्ड मोन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन। इंग्लैंड के स्टेफोर्डशायर में एक मूर्ति है, जिस पर की गई लिखावट को अब तक तेज से तेज दिमाग भी डिकोड नहीं कर सके हैं। हालांकि इस मॉन्यूमेंट को 18 सेंचुरी में ही बना दिया गया था, मगर वहां पाए जाने वाली चिट्ठियों को आज 250 सालों बाद भी कोई नहीं पढ़ समझ सका है। इसी प्रकार के कई चलचित्रों में भिन्न प्रकार के रहस्य समेटे हुए हैं। राशि खत वाला कातिल। नाम सुनने में बहुत ही अजीब है। सन 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था, जिसे पुलिस और प्रेस राशि कातिल के नाम पर जानती थी। यह कातिल प्रेस और पुलिस को ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखा करता था कि लोग पागल हो जाते थे। इस कातिल के द्वारा भेजे गए 4 खतों में से एक का मतलब तो लोग निकाल ही सके, मगर बाकी 3 खत आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर सिमट गए हैं। उनमें उसने क्या लिखा है, यह कोई नहीं जानता। जॉर्जिया गाइड स्टोन। अमेरिका के स्टोनहेंज के तौर पर पाया जाने वाला यह गाइड स्टोन, जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, इसके इर्द गिर्द भी कई रहस्यमय कहानियां बुनी गई हैं। हालांकि इसे 1979 में ही बनाया गया है। इसकी दीवारों पर 10 नए कमांड्स अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अब तक नहीं जाना जा सका है कि ये क्यों और यहाँ किस लिए लिखे गए थे। रोंजो रोंजो। इस रहस्यमय ईस्टर द्वीप पर जहाँ मोई स्थापित है, इस पर एक जोड़ा नक्काशीदार लकड़ी रखी गई है। इसे लोग रोंजो रोंजो के नाम से जानते हैं। इस नक्काशीदार पदार्थ पर क्या खुदा है और क्या लिखा है, इसे अब तक नहीं जाना जा सका है। हालांकि इससे द्वीप पर किसी जमाने में हुए कत्लेआम की बातों का अंदेशा लगाया जाता है। द लोकनेस मॉन्स्टर। मगर असल में यह है क्या, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में इतनी रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं कि अब तक तो लोग यह भी मानते रहे हैं कि यह एक समुद्री जीव है। इसकी न जाने कितनी ही तस्वीरें और वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसे देखकर कोई इसे समुद्री सांप तो कोई डायनासोर का वंशज बताता है। बिगफुट। इसे लोग सास्क्वेच के नाम से भी जानते हैं। अगर लोगों की माने तो बिगफुट यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बर्फीले पर्वतों में रहने वाला एक जीव है। इसके रंग रूप को देखकर कुछ इसे गोरिल्ला बताते हैं, तो कुछ इसके चलने के अंदाज से मानव बताते हैं, मगर अब तक यह है क्या, इसे कोई नहीं जानता। स्टोनहेंज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो देखा होगा।
स्टोनहेंज देखने में तो बेहद ही खूबसूरत कलाकृतियां लगती हैं, मगर आज भी यह ही रहस्य ही बना हुआ है कि इस कलाकृति जिसमें पत्थर एक दूसरे के सहारे टिके हैं, इसको कैसे निर्मित किया गया होगा और इसके पीछे क्या मकसद था। तोरिन की कफन, एक ऐसा कफन जिस पर मनुष्य के मुंह जैसी कलाकृतियां निर्मित हैं और इस पर अंकित चेहरा किसी रिसाई रिसर्च मैन का फोकस है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि इस कफन पर बना हुआ चेहरा नॉर्थरेस के ईसा मसीह का हो सकता है। यह कफन आज तक एक मिस्ट्री ही समेटे हुए है। इसी प्रकार शायद कभी ये सारे रहस्य एक बार खुल जाए तो पता नहीं कितने ही रहस्यमय कहानियों से पर्दा उठ सकता है।